मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। लेकर चलते हैं आपको झांसी में अवैध तरीके से रसोई गैस की कालाबाजारी नगर में चरम सीमा पर है। पहले इस धंधे को 4-5 लोग ही करते थे, लेकिन आज इस कारोबार में सैकड़ों लोग संलिप्त हैं। इस कालाबाजारी से अधिकारी अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन सब कुछ सिस्टम में होने के कारण इन लोगों से कोई भी पूछने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। जबकि इन कारोबारियों के द्वारा गैस रिफिलिंग करते समय कई बार घटनाएं भी घट चुकी है, लेकिन इन कारोबारियों पर विभागीय अधिकारी इतने मेहरबान हैं कि इनकी नगर के लोगों के द्वारा कई बार शिकायत करने पर इनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुनः शिकायत पर आज दोपहर के 2 बजे लगभग पूर्ति अधिकारी अपने स्टाफ के साथ मोती होटल के निकट मऊरानीपुर निवासी सुरेश कुमार गुप्ता की दुकान पर पहुंचे। उस समय वह अपनी दुकान पर मौजूद था। पूर्ति अधिकारी के पहुंचते ही वह चकमा देकर भाग गया। बहुत प्रयास किया, लेकिन वह वापस नहीं आया। लगभग 3 घंटे उसका इंतजार करते करते मामला जब निपटने पर नहीं आया तो इसकी जानकारी पूर्ति अधिकारी ने उपजिलाधिकारी को दी। कार्य की व्यस्तता के कारण वो घटना स्थल पर नहीं पहुंच सके। इसके पश्चात इसकी जानकारी पूर्ति अधिकारी ने कोतवालों पुलिस को दी। जानकारी पाकर उपनिरीक्षक पुष्पेंद्र से मई हमराहियों के घटना स्थल पहुंचे, जिसके पश्चात पूर्ति अधिकारी ने दुकान और सिलेंडर रखे गोदाम को सील कर दिया और उन्होंने बताया कि अधिकारियों के सामने गोदाम को खोलकर सिलेंडर मिलने पर कार्यवाही होगी। जबकि लोगों का कहना है कि लगभग 2 दर्जन से भी अधिक सिलेंडर रखे हुए हैं। अब देखना है कि अधिकारी कार्यवाही करते हैं या सभी कार्य सिस्टम में आकर रफा दफा होता है, क्योंकि जहां पर छापेमारी की गई उसके आसपास 50 मीटर से भी कम दूरी पर 2 और अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबारियों की दुकान और गोदाम है। और लोगों ने अधिकारियों को उन दुकानों की जानकारी भी दी, लेकिन पूर्ति अधिकारी उन दुकानों पर नहीं गए, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। झांसी से गिरबर सिंह की रिपोर्ट। एसके गुप्ता के यहाँ बताई गई थी कि अवैध रिफिलिंग होती है गैस की, तो ये छापा मारा, ये जो एसके गुप्ता मौके से फरार हो गए, उसके बाद ये दुकान सील कर दी गई है और लूट के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। इसी